Wishing you a very happy and a vibrant day. Myself, Sushmita Sahu, and today I'm going to take English of class 12, and the book is Vistas. In this, I'm going to take chapter 2, The Tiger King. First, I'll tell you the story, and then we'll be doing the question and answers. Iski story bahut interesting hai. Ye ek raja ke bare mein kahani hai, and in this story, he gets the name of Tiger King. मतलब उस राजा का नाम होता है Tiger King. और बहुत ही विचित्र story थी है कि इसका इनका नाम Tiger King क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये born हुए थे, तो जो पंडित लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो जो ये baby है, इसको एक ना एक दिन मरना होगा. तो the baby replies, imagine उतना छोटा सा baby बोलता है कि कोई नई बात बताओ, मरना तो सभी को है. तो फिर पंडित लोग बोलते हैं, एक वन थिंग इज देयर कि यू विल डाई बाय अ टाइगर, मतलब आपकी मौत का कारण एक टाइगर होगा. तो द चाइल्ड ही ग्राउल्स रोर्स रेदर व्हेन ही रोर्स, तो उनका नाम तभी से टाइगर किंग पड़ जाता है. अब ये बड़े होते हैं, इनको बहुत अच्छा, ऑब्वियसली राजघराने को बिलोंग करते थे, तो इनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है. और जब ये 20 साल के होते हैं, तो इनको इनकी भविष्यवाणी याद थी, तो ये अपना टाइगर्स को किल करना चालू करते, क्योंकि भविष्यवाणी में था कि जो 100 टाइगर होगा, 100 टाइगर जो होगा, वो आपकी मौत का कारण बनेगा. तो ही सेज कि मैं पूरे 100 टाइगर्स को मार दूंगा, और जब मैं उनको मार दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा. ही स्टार्ट्स किलिंग द टाइगर्स, अपने एरिया के पूरे टाइगर मार देते हैं. फिर वो सोचते हैं कि अब मैं बड़ा, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब मैं ऐसी जगह शादी करूंगा, जिस इस रॉयल फैमिली में शादी करूंगा जिनके स्टेट में भी बहुत सारे टाइगर्स हो. वो सबको भेजते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, मैं उस स्टेट की राजकुमारी से शादी कर लूंगा. ही डज सो. और फिर वो जब भी फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, तो 5-6 टाइगर्स मार लेते थे. तो उनका टोल ऐसे करते करते 99 टाइगर्स उन मार लेते हैं. अब आखिरी में बचता है 125 टाइगर, दैट इज 100 टाइगर. सो व्हाट ही डज, ही ट्राइज बट कोई भी नहीं मिलता है. तो वो फिर अपने दीवान को कहता है कि मुझे एक टाइगर चाहिए जिसको मैं मार के अपनी अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करूँ. तो बेचारा दीवान, क्योंकि वो डेडिकेटेड होता है एंड डिवोटेड होता है, सेकेंडली उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है कि वो कुछ और कर सके, तो वो क्या करता है, जू से जाके मद्रास से एक बुढ़ा सा शेर लेके आता है, और वो लोग उसको ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ राजा किलिंग करता रहता है. तो टाइगर को मार के राजा बहुत खुश होता है. पर जब जो लोग उसको उठाने जाते हैं टाइगर को, वो लोग देखते हैं कि टाइगर गोली की आवाज से अकेले फेंट हुआ है, पर वो मरा नहीं है. तो व्हाट दे डू, दे किल दैट टाइगर, एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी कि राजा ने उस टाइगर को मार दिया. फिर राजा एक वुडन टाइगर से खेलता होता है. तो जब वो वुडन टाइगर से खेलता है, तो उसके हाथ में एक वुड का टुकड़ा घुस जाता है, एंड अल्टीमेटली दैट बिकम्स द कॉज ऑफ हिज डेथ. मतलब वो टाइगर के कारण ही मरता है. ये इस स्टोरी का सार है. चलिए अब हम इसके पहला क्वेश्चन करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हु इज टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम. टाइगर किंग कौन है, उनका ये नाम क्यों पड़ा? जो महाराजा है प्रतिबंधापुरम के, उनको टाइगर किंग कहते हैं. क्यों पड़ा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी. रॉयल इन्फेंट बड़े कैसे हुए, तो उनने क्या क्या किया. जो क्राउन प्रिंस थे, एक्चुअली उनका नाम था जंग बहादुर. वो बड़े हुए, फिर उनको इंग्लिश मैन ने पढ़ाया, और फिर वो कैसे 20 इयर्स के हुए और उन्होंने टाइगर्स को किल करना तय किया. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल. महाराजा ने क्या क्या किया ताकि वो अपने 100 टाइगर्स मार सके. पहली चीज तो उन्होंने अपने एरिया के पूरे टाइगर मारे, फिर उस एरिया के लड़की से शादी की जहाँ पे की और सबसे ज्यादा टाइगर्स थे. देन क्वेश्चन 4 इज, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ टू द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिफाई हिज फेट. राजा ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि 100 टाइगर वो कैसे मारेंगे. देन What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputable, disproved? अब
आपसे पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर को का क्या होगा और क्या आप सोचते हैं जो उन्होंने प्रोफेसी मींस भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी वो अब सही नहीं बैठी। पर एक्चुअली देखिए, राजा ने वो नहीं मारा था उसको, तो राजा ने जब शूट किया उसके बाद वो टाइगर जिंदा था, उसको वहां के लोगों ने मारा। ये काफी बड़ा आंसर है, आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जितना आप चाहे लिखिए। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रीडिंग विद इनसाइट। अब ये क्योंकि पूरी स्टोरी एक सटायर है, मतलब कि एक व्यंग है, उसमें एक व्यंग किया गया। सटायर मींस व्यंग। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कंसीट मतलब स्वार्थी। ये जो स्टोरी है एक व्यंग है स्वार्थी लोगों पे, जिनके पास बहुत पावर होता है या जो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, तो उसको कैसे राइटर ने बताया है एक स्टोरी के रूप में। तो आपको पता ही है, मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है, उसी को यहाँ इंग्लिश में लिख दिया। दिस कैन बी द समरी ऑफ द लेसन ऑल्सो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इन ऑथर्स what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human being? मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे कि author ने क्या indirectly आपको इसमें बताया है कि जो innocent animals हैं वो कैसे willfulness, मतलब जो human beings हैं उनके उनपे उनकी तमन्नाओं पे या उनकी इच्छाओं पे dependent रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब राजा किल कर रहा था इतने सारे टाइगर्स को, तो इट इज रियली बैड, क्योंकि हम उन इनोसेंट एनिमल्स को अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम उसे मार रहे थे। ये आंसर भी मैंने पूरा दिया हुआ है आपको, आप लिख सकते हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजाज मिनियंस। मिनियंस मतलब वो लोग जो लोग राजा के अंतर्गत उनके स्टाफ होता है, जो कि उनकी जी हजूरी करता है या चापलूसी करता है, वैसे लोगों का के बारे में, के बिहेवियर के बारे में आपसे पूछा गया है। और क्या वो राजा को नहीं ओबे कर सकते? तो ऐसा तो है ही नहीं, जो लोग चापलूसी करते हैं और वो करते हैं उनको तो अपने राजा को ओबे करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इलस्ट्रेट्स द कैलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल। देखिए, अब तो किलिंग बिल्कुल बंद है, अगर अब होती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। अपन को सभी को उनका केस पता, सलमान खान एंड ऑल, एक और कौन, सैफ अली खान, इन लोगों ने जब राजस्थान में किलिंग की थी, तो इवन बड़े लोग, ये लोग काफ़ी रिच एंड वेरी फेमस पर्सनालिटीज है, बट स्टिल इनके अगेंस्ट काफ़ी सारा केस पुटअप हुआ था। तो अब आप किलिंग उतने नहीं कर सकते जैसा कि पहले जमाने में होता था, क्योंकि अब नेशनल पार्क्स हैं एंड सेंचुरीज बन चुके हैं, दैट इज द एनिमल्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, एनिमल्स को सुरक्षा दी जा रही है। वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। अब देखिए, इकोलॉजी बैलेंस करने के लिए, ताकि कुछ एनिमल्स को एकदम कम कर दें तो दूसरे एनिमल्स ज़्यादा हो जाते हैं, इस इकोलॉजी को मैनेज करने के लिए, इस न्यू सिस्टम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एंड हाउ कैन वी शो अ केयर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप सो यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, आप केयर करेंगे इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। विद दिस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।